केशव मौर्य जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें और इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए। आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश के चाचा और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल आखिर किसका इस्तीफा मांग रहे हैं, वो क्यों सीएम से अपील कर रहे हैं कि तुरंत इस्तीफा स्वीकार किया जाए। तो बता दें कि शिवपाल सिंह यादव जिस नेते के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं वो कोई नहीं बल्कि योगी सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज केशव प्रसाद मौर्य हैं। शिवपाल यहां उनके इस्तीफे की ही नहीं मांग कर रहे हैं बल्कि उन्होंने डिप्टी सीएम को बहानेबाज तक बता दिया। केशव मौर्य जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इसलिए दे देना चाहिए, ये पिछड़े और दलितों की बात सुनते नहीं है, केंद्र का मामला है। मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे और जब तरीका निकालते थे तो निकल आता था और ये बहाना लेते हैं केंद्र सरकार पर, तो इनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव मीडिया से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चमकर लपेट लिया और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में पिछड़े वर्ग से सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन वो जातिगत जनगणना को केंद्र सरकार का मुद्दा बताकर टाल जाते हैं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर शिवपाल ने मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम का इस्तीफा स्वीकार करने के साथ उन्हें किसी दूसरी मंत्री को रखने की सलाह दे डाली। एक बार फिर सुनिए शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, केशव मौर्य जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इसलिए दे देना चाहिए, ये पिछड़े और दलितों की बात सुनते नहीं है और कहते हैं कि केंद्र का मामला है। मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे और जब तरीका निकालते थे तो निकल आता था और ये बहाना लेते हैं केंद्र सरकार पर, तो इनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें और इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए जिससे पिछड़े और दलितों के लिए काम करें, तुरंत इनको इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। इस वक्त यूपी की राजनीति में बीजेपी की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। वो कोई भी प्लेटफार्म हो, चाहे विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर, इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बात सपा कर रही है। बहरहाल, अब इस इस्तीफे वाले शिवपाल के बयान पर योगी सरकार क्या जवाब देती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी के लिए विपक्ष की धार से पार पाना चुनौती से कम नहीं होगा।